नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूं कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के नेवरास पंचायत में। अभी मेरे सामने जो बैठे हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह और पिंटू सिंह नेवरास पंचायत के मुखिया से जीते हुए हैं, और लगभग इनके पंचायत में मुखियागिरी इनके परिवार से, इनके दादाजी भी मुखिया रह चुके हैं, इनके पिताजी भी मुखिया रह चुके हैं, और इनकी माताजी भी मुखिया रह चुकी हैं, और ये भी मुखिया रह चुके हैं, और इस बार भी मुखिया का चुनाव जीत चुके हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको मीडिया दर्शन चैनल में आने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आखिर आप ही को जनता यहाँ की मुखिया बार बार क्यों चुनती है? देखिए, हमारे यहाँ की जो जनता है वो जहाँ पूरे देश में जातिगत समीकरण प्रबल है, जातिगत समीकरण पर ही चुनाव का जो मूल आधार है वो जातिगत समीकरण है, लेकिन मेरी पंचायत की जनता जात पात के समीकरण को ताक पर रख के और मुखिया बनाने का मुझे काम करती है, इसलिए कि मैं सबके दुख सुख में शामिल रहता हूँ। आधी रात को अगर कोई पब्लिक खोजे मैं वहाँ भी खड़ा रहता हूँ। मेरे लिए अपना मेरा कोई रोजगार व्यवसाय में मैं अपने को व्यस्त नहीं रखता हूँ। मेरे भाई लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो लोग सारे रोजगार को देखते हैं। मैं सिर्फ जनता के सुख दुख में शामिल रहता हूँ, इसी का नतीजा है कि लोग मुझे मुखिया बनाते हैं। इस बार अपने पंचायत में यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपने जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि मैं तो अस्वस्थ था, जनता के ही दुआओं का देन है कि मैं इतना जल्दी मैं स्वस्थ होकर वापस लौटा, और जनता ही मुझे चुनाव लड़ाई। मेरा शरीर उस स्थिति में नहीं था कि मैं घूम के प्रचार कर सकूं, पब्लिक ही प्रचार करके मुझे फिर पुनः जिताने का काम की। मैं यही कहना चाहता हूं पब्लिक से कि जिस आकांक्षाओं के साथ पब्लिक मुझे चुनाव जिताई है, उनके आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और जहां तक महिला सशक्तिकरण का मामला है, मेरे पंचायत में महिला विद्यालय की कमी है। मैं महिला विद्यालय के लिए मैं सरकार से या जहां भी जो भी संबंधित कार्यालय हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं, मैं उनसे प्रयास करूंगा कि मेरे पंचायत में एक महिला विद्यालय, महिला हाई स्कूल जरूर खुले, जिससे कि बच्चियों को दूर आना जाना न पड़े। यहाँ से अभी भी बच्चियाँ 7 किलोमीटर दूर जाती हैं कन्या महाविद्यालय सकरी पढ़ने, जिससे कि बहुत परेशानी होती है। आज के डेट में जो परेशानियाँ बच्चियों को झेलना पड़ता है उससे निजात मिलेगी। अच्छा, जैसे कि आपके परिवार से लगभग 52-53 वर्षों से मुखियागिरी में लोग जीतते आ रहे हैं, आपके दादाजी भी मुखिया रह चुके हैं, आपके पिताजी भी मुखिया रह चुके हैं, आपके माताजी भी मुखिया रह चुकी हैं, और आप भी मुखिया रह चुके हैं, लेकिन आपके पंचायत में आपको बाहुबली या फिर दबंग कहा जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो भी क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जो गलत लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, जो गलत कार्यों में लिप्त हैं, मैं उनके साथ कड़ाई से पेश आता हूं और मैं प्रशासन का सहयोग करता हूं, जिसका नतीजा है कि हमारे पंचायत में शरीफ लोगों को राहत मिलती है। और दबंग और बाहुबली वैसे लोग ही कहते हैं जो गलत हैं और जो खुद क्राइम करते हैं। आपके पंचायत के लोग मारपीट होने पर थाने जाने से पहले आपके यहाँ क्यों आते हैं? लोगों का कहना है कि आप मामला को ज़्यादातर यहीं पर रफा दफा कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, सरकार भी चाहती है, लोक अदालत तो कोर्ट भी लगाती है कि मामलों को यही रफा दफा किया जाए, लंबा केस लंबा मुकदमा न जाए और मेरी पंचायत की भोली भाली जनता कोर्ट के चक्कर में न पड़े। जो कमाने खाने वाले लोग हैं वो कम से कम बातों को समझें, मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ और मामले को शांत कराने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि उनके पॉकेट का पैसा कोर्ट को जाता है और वो परेशान होते हैं। वो अंततः स्थिति ये होती है, किसी के बच्चे को पढ़ाने में जो पैसा खर्च करना है वो पैसा जो है कोर्ट में दे आते हैं। चलते चलते मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आपका इस बार के चुनाव में लोगों के लिए विकास के बारे में क्या सोचा है? देखिए, जहाँ तक विकास की बातें हैं, मैंने अपने पंचायत में जो विकास किया है वो सर्वविदित है, देखने लायक है। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि अपने पंचायत को मैं बिहार के नंबर 1 श्रेणी में खड़ा करूँ। ऐसे भी मेरा पंचायत कैमूर ज़िले के नंबर 1 में है। मैं अपने पंचायत को इस बार मैं बिहार के नंबर 1 में खड़ा करूँगा विकास के मामले में। अब तक किसानों के लिए सिवान में
पक्की सड़क बनवाने का मैंने मनरेगा से कार्य किया है। बहुत लोग तो अपने खेतों पे फोर व्हीलर से जाते हैं अपना खेत घूमने के लिए। मैं चाहूँगा कि जो शेष कार्य हैं, जो शेष बचे हुए विकास काम हैं, मैं उनको इस कार्यकाल तक पूरा करके, और मैं चाहूँगा कि लोगों की सारी आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरूँ। अभी आपने सुना नेवरास पंचायत के धर्मेंद्र कुमार सिंह और पिंटू सिंह मुखिया से। ऐसे ही खबरों के लिए मीडिया दर्शन में बने रहिए। धन्यवाद।